आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपने DS3232 रियल टाइम क्राफ्ट RTC को अर्डिनो मेगा के साथ इंटरफेस करना है। तो सर्किट मैंने कंप्लीट कर लिया ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, और कंपोनेंट्स जो है वो ये आपको 20x4 LCD मिल जाएगी। आप ये इसका मॉडल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, अर्डिनो मेगा भी मिल जाएगी, और DS3232 आप सर्च करेंगे RTC आपको मिल जाएगी। ये 10K ओहम के दो रेजिस्टर, ये पुल अप रेजिस्टर है, ये मैंने उसको पावर दिया। यहाँ से आपको ये पावर मिल जाएगा यहाँ से, और ये ग्राउंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड मैंने आर्डिनो को भी दिए और यहाँ पर भी मैंने कनेक्ट किया है। तो RTC के दो पिन है, जो एक SCL है एक SD है, वो आपने इंटरफेस कर देना है। जो SCL है वो आपने 21 पिन ऑफ आर्डिनो मेगा के साथ करना है, और जो SD है उसको आपने 20 पिन ऑफ आर्डिनो ओमेगा के साथ। आल्सो इसके ऊपर ये भी लिखा है, SDA और SCL भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि कोड लिखा जाए, तो कोड मैं तकरीबन लिख चुका हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने LCD के लिए लाइब्रेरी एड किए पिन बताए हैं, वायर डॉट एच की जो I2C प्रोटोकॉल के लिए जाना है, ये आपने लाइब्रेरी ऑन कर देनी है। ये RTC की लाइब्रेरी, आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिए तो मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ये आपको डाउनलोड कर सकते हैं RTC की। ये जिप फाइल है, तो उसको आपने ADS कैसे करना है, को आप आएंगे और स्केच में आप आएंगे और यहाँ पर इंक्लूड लाइब्रेरी पे एड जिप फाइल करेंगे, और जहाँ पर भी आपके पास ये पड़ी हो वहाँ से आप आकर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आप देख लेंगे कैसे ऐड की जाती है। यहाँ पर लाइब्रेरी पड़ी है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर देंगे, और मेरे पास चूँकि ऑलरेडी ऐड है तो वो ऐड नहीं होगी, अगर ऐड ना हो तो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने चैनल का नाम दी ब्राइट लाइट लिखा है, उसके बाद इसके लिए एक टाइटल दिया है, और यहाँ से आपकी जो वायर के I2C ये प्रोटोकॉल ऑन कर देंगे, यहाँ से RTC को आप ऑन कर देंगे, एनेबल कर देंगे, उसके बाद आप ये बता देंगे कि जी डेट और फिर टाइम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने ये रन हो जाएगी, और यहाँ से डेट और टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो LCD पे यहाँ पर टाइम, उसके बाद हावर्स, फिर मिनट्स, फिर सेकेंड शो होंगे, और उसके बाद डेट, आज की डेट, उसके बाद मंथ और ईयर शो होगी। ठीक है, तो मैंने 100 मिली सेकेंड की डिले दी है, तो ये उसके बाद ये रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ इसको, और जैसे ही कंप्लीट होता है, डन होते हैं, तो इसका जो हेक्स फाइल है उसको आप याद रहे कि ये आर्डिनो मेगा है, तो आप इन्हें रन करते वक्त यहाँ ख्याल रखना है, अगर ये आपका इस तरह कनेक्टेड है, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आप आएंगे और ये अगर आर्डिनो ऑन हो या कोई भी सेलेक्ट और सेलेक्ट है, आपने यहाँ आकर आर्डिनो मेगा सेलेक्ट कर देनी है। आर्डिनो मेगा नहीं होगा तो इशू होगा, ठीक है, करेगा तो इसको क्लिक करके उसके बाद रन कर दें आर्डिनो मेगा सेलेक्ट करके। जैसे ही डन हो जाएगा, आपने इसका एक्स फाइल जहाँ पर पड़ा है उसको आपने कॉपी कर देना है, उसका एड्रेस यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, और उसके बाद इसको आकर यहाँ पर एडिट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और उसको आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कोई और हो तो उसको मिटा दें और उसके बाद उसको पेस्ट कर दें। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दी चैनल का नाम दी ब्राइट लाइट चैनल नाम, हमारे रियल टाइम क्लॉक मैंने टाइटल दिया, उसके बाद टाइम आप देख सकते हैं, आप कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, दोनों एक ही है, यहाँ से ही लोड करता है। उसके बाद आप डेट देख सकते हैं, 13 फरवरी 2023 है, और टाइम भी आप देख सकते हैं कि 8:54 है या 20:54 है। ये जो आपको जो स्क्रीन या डिस्प्ले हो रहा है, ये इसकी वजह से आता है, तो ये भी आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। तो इसी तरह आप ये सर्किट और कोड जो है, दोनों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ लाइब्रेरी भी दिया है, तो आज जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं इसी तरह इसको देख के। अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।